हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, अब तक हम जितने भी साइकिल पढ़ चुके हैं पीएस और टीएस डायग्राम जितने भी साइकिल्स के, वो थ्योरेटिकल साइकिल्स थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल में जो हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल चलता है उसमें होता क्या है। अब तक हम पढ़े थे क्या वेपर कंप्रेशन साइकिल, और वो एक्चुअल नहीं था, वो थ्योरेटिकल था। उसमें क्या होता था, उसमें जो हमारे कुछ अजम्पशंस होते थे, जैसे क्या है प्रेशर लॉस हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, ये सब उसमें होता था। लेकिन उस इसी गोल के कारण क्या था कि उसकी जो सीओपी है, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ज्यादा होती थी। लेकिन जो एक्चुअल में होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, इसमें आप कुछ इस तरीके का डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन उसमें उस तरीके से उस डायग्राम से जो है बहुत डिफर है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से आज समझेंगे एक्चुअल में जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे चलता है और कैसे इसमें होता है प्रोसेस, और किसी भी सिस्टम से हम हीट को निकालते हैं तो उसको हीट को निकालने के लिए हमारा प्रोसेस किस किस स्टेप से होकर गुजरता है, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है वेपर, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसमें हम टीएस डायग्राम की बात किए हैं। टीएस डायग्राम में इसमें होता क्या है, आप जानते हैं कोई भी रेफ्रिजरेंट हमारा होगा, रेफ्रिजरेंट सिस्टम से हीट को लेकर के और पुनः वो क्या होता है, वहां से रेफ्रिजरेंट क्या था, सिस्टम से जैसे हीट को कलेक्ट किया, अपने पास लिया, तुरंत उसको क्या है इवेपोरेटर में वो आता जब है तो क्या होता है, वाष्प के रूप में हो जाता है। ठीक, मतलब वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, जब वेपर के रूप में कन्वर्ट रहेगा वो, तो वेपर से पुनः जब उसको हम कंप्रेसर प्रोसेस में भेजेंगे तो उसको डायरेक्ट उसमें से, जब थ्योरेटिकल प्रोसेस आप पढ़े थे तो उसमें डायरेक्ट भेज दिया करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट नहीं जाता है, मतलब कई स्टेप में होकर के गुजरता है। इस चीज को आइए बहुत क्लियरली, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखते हैं। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं, पहले जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कितना, 11 to 1। ठीक है, मतलब 11 से जो है 1 तक जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इवेपोरेटिंग प्रोसेस हो रहा है। मतलब क्या है कि सिस्टम से, किसी भी सिस्टम से हीट को निकाल लिया गया, और जो हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज होगा, रेफ्रिजरेंट हमारा किस रूप में होगा, यहाँ पे वेपर रूप में होगा। क्या वेपर रूप में होगा, लेकिन वेपर रूप में होने पर यहाँ से जो है, जब वेपर रूप से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इवेपोरेटिंग प्रोसेस से जब हम कंडेंसिंग कंप्रेसिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं एलिमेंट को, लेकिन इसके बीच में जो है प्रोसेस क्या चलता है, प्रोसेस 1 से 2 चलेगा। प्रोसेस 1 से 2 में क्या होता है, जब इससे इवेपोरेटर से कंप्रेसर के बीच में भेजेंगे हम रेफ्रिजरेंट को, तो उस बीच में जो होता है, क्या होता है कि जो इसमें सक्शन लाइन होती है, एक उन दोनों के बीच में क्या होता है, सक्शन लाइन होती है। तो जब सक्शन लाइन में, जब क्या है सक्शन लाइन में हमारा क्या रेफ्रिजरेंट पहुंचता है, तो वो सक्शन लाइन से फिर क्या होता है, उसमें से जो हीट होती है, हीट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, क्या होगा, सक्शन लाइन की हीट को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, और जिससे जो उसकी हीट होगी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हीट उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब इस प्रोसेस तक, अभी यहाँ पे इस प्रोसेस को हम इस पॉइंट को क्या कह देंगे, इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर होगा, इसे हम क्या कह देंगे, इवेपोरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेटिंग प्रेशर, इसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेटिंग प्रेशर कहेंगे। और देखिए, 0.2 से 3 तक जब हमारा आएगा क्या रेफ्रिजरेंट, जब 0.2 से 3 पर आता है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर डिफरेंस प्रेशर था, देखिए यहाँ पे कौन था, इवेपोरेटिंग प्रोसेस प्रेशर था, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रेशर हो जाएगा 0.3 पर, सक्शन प्रेशर। मतलब सक्शन प्रेशर जब यहाँ पे होगा, कि जब भी हम वहां पे प्रेशर डिफरेंस कर दिए, देखिए यहाँ पे हायर प्रेशर था लेकिन यहाँ पे लोअर प्रेशर कर दिए, क्योंकि प्रेशर को हम क्यों ऐसा करते हैं, प्रेशर डिफरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसमें से इवेपोरेटर में से जितना भी हमारा रेफ्रिजरेंट आया है, वो रेफ्रिजरेंट पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट क्या हो, कंप्रेसर में चला जाए। ठीक है, ताकि कंप्रेशन प्रोसेस में जो है हमारी उसकी इफिशियंसी अधिक से अधिक हो सके। ठीक, देखिए यहां से प्रेशर डिफरेंस कर दिए कि यहाँ पे जो है जाएगा हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट होगा वो पूरा का पूरा इनलेट हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 से 3 प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा जो भी था क्या, इसमें प्रेशर डिफरेंस कर दिए। अब देखिए 3 से 4 में जो हमारा यहाँ पे, यहाँ जब तक था, यहाँ जब तक होगा हमारा क्या रेफ्रिजरेंट, अभी यहाँ प्रोसेस तक, इस प्रोसेस तक कंप्रेसर में अभी हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो इनलेट नहीं हुई है,
अभी कंप्रेसर में क्या है हमारा रेफ्रिजरेंट, अभी उसमें इनलेट नहीं हुआ उसका। अब देखिए यहाँ से इनलेट वाल्व जैसे उसका खुलेगा, यहाँ से इनलेट वाल्व खोल के जैसे प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हम उस कंप्रेसर के अंदर भेजेंगे, तो कंप्रेसर के अंदर जब भी भेजेंगे तो तुरंत उसमें जो है तुरंत कंप्रेशन प्रोसेस चालू तो हो नहीं जाता, कुछ उसमें टाइमिंग लगता है कि मतलब उसका प्रेशर जो है कंप्रेशन प्रोसेस चालू करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम के बीच जो हमारा उसका वाल्व होगा, इनलेट वाल्व होगा जो हमारा कंप्रेसर का, वो कंप्रेसर का इनलेट वाल्व की जो है उसमें कुछ कंप्रेशन प्रोसेस हुआ रहेगा, तो जिसके थ्रू क्या है उसमें थोड़ा बहुत हीट की मात्रा रहेगी, तो हीट की मात्रा जो भी होगी उसको भी क्या हमारा रेफ्रिजरेंट उसको खींच लेता है, मतलब उसको अपना ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब यहाँ पे प्रोसेस 3 से 4 में क्या होता है, जब 3 पे ऑब्जर्व कर लिया जैसे इनलेट हुआ वहां पे, और वहां पे जो भी था हीट कंप्रेसर में उसको क्या है हमारा रेफ्रिजरेंट ऑब्जर्व कर लिया, तो इससे क्या होता है जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ से 3 से 4 में क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब 3 से 4 में क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीजिंग जो हुआ 3 से 4 में, इसे हम कह देते हैं सेंसिबल हीटिंग। मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। जो इसमें क्या हो रहा है सेंसिबल हीट, मतलब जो इससे क्या कहते हैं वाल्व में जो भी हीट था उस हीट को क्या है ऑब्जर्व कर लिया गया, किसके द्वारा रेफ्रिजरेंट के द्वारा, ठीक। अब देखिए इतना प्रोसेस चलने के बाद में, इतना प्रोसेस होने के बाद में जो हमारा इवेपोरेटर से क्या था रेफ्रिजरेंट वो किस में गया, अब कंप्रेसर में गया। तो जब कंप्रेसर में 4 to 5 है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है क्या है हमारा जो है इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है इररिवर्सिबल, जितने भी अब तक हम पढ़े हैं थ्योरेटिकल जितने भी क्या होंगे साइकिल होंगे उसमें क्या होगा, उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस चलेगा, लेकिन जितने भी एक्चुअल साइकिल होंगे उसमें क्या चलता है इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखिए अब 4 से 5 में क्या हो रहा है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन जब हो रहा है तो इसमें बहुत तेजी से इसका क्या होता है हीट में जो इसका टेम्परेचर होता है बहुत तेजी से क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। 4 से 5 में जाने के बाद में जो टेम्परेचर इसका था बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया। अब देखिए जब इस प्रोसेस यहाँ पर पहुंचा, इस 0.5 तक पहुंचा, अब 0.5 से 0.6 के बीच में जो हमारा होगा रेफ्रिजरेंट, तो जो 0.5 पे पहुंच गया कंप्रेशन प्रोसेस हमारा पूरा हो गया। तो आप जानते हैं जब रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन होता है तो उसका टेम्परेचर में बहुत तेजी से इंक्रीजिंग होती है, तो टेम्परेचर जो हमारा उसमें इंक्रीज हो गया तो इतना टेम्परेचर हो जाता है कि जो उस कंप्रेसर का जो वाल्व होता है आउटलेट वाल्व होता है जिससे हम रेफ्रिजरेंट को बाहर करेंगे, तो उस वाल्व में क्या होती है जो यहाँ पे कंप्रेसर में जो वाल्व आउटलेट वाल्व होगा उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से क्या होता है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो जाता है वाल्व का। तो वाल्व का जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, तो रेफ्रिजरेंट जब वाल्व वाल्व के टच में होगा तो वाल्व जब आउटलेट होगा तो वाल्व को क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा सा उसको दे देता है, यहाँ से जो है क्या है टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा दे देगा, तो जिससे जो हमारा टेम्परेचर होगा थोड़ा सा क्या होगा घट जाएगा। तो इस पॉइंट को जो हम कहते हैं क्या, जब इस पॉइंट पे आ गया तो इस पॉइंट को हम कहते हैं डिलीवरी प्रेशर, क्या डिलीवरी प्रेशर पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे, ठीक है। और देखिए जब इसमें 5 to 6 में जब हमारा प्रोसेस चल रहा है और इसमें क्या है रेफ्रिजरेंट इनलेट आउटलेट वाल्व को क्या है अपना थोड़ा हीट प्रोवाइड कर रहा है उसको दे रहा है, तो जब यहाँ पे हीट देगा उसको तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, क्या सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस इस प्रोसेस को कहेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 to 7 जो 6 से 7 प्रोसेस हो रहा है, अब इसमें क्या है हम यहाँ पे जानबूझकर ही प्रेशर डिफरेंस कर देते हैं, क्या यहाँ पे हम जो भी प्रोसेस करते हैं 6 से 7 में यहाँ पे जानबूझकर हम प्रेशर डिफरेंस कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो यहाँ से कंडेंसर से कंप्रेसर से निकलने वाला जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट किसमें कंडेंसर में चला जाए, इसलिए कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 से 7 प्रोसेस में क्या होता है, इस पॉइंट को इसमें हम प्रेशर डिफरेंस कर दिए तो देखिए 7 जब हमारा 7 प्रोसेस पे आएगा, क्या 7 पॉइंट पे आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे कंडेंसर प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर हमारा होगा क्या होगा कंडेंसर प्रेशर, ठीक है 0.7 को। अब 0.7 से आप ये जानते हैं यहाँ से जब हमारा हीट जब यहाँ से 1 से 0.2 पे गया था तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, आप ये भी जानते हैं ऐसे होता है हमारा क्या होता है टीएस डायग्राम के लिए ऐसे साइकिल बनती है, और इस लाइन को क्या कहते हैं लिक्विड लाइन कहते हैं, और इस लाइन को क्या कहते हैं वेपर लाइन कहते हैं, और इधर के एरिया का क्या क्या होती है
सुपर हीटेड एरिया होती है और इधर की एरिया क्या होती है, सब कोल्ड एरिया होती है। ठीक, तो आप ये देख लीजिए बात, जो हमारा ये दोनों लाइन है, यही लाइन दोनों है, यही दोनों लाइन है, तो आप ये जानते हैं कि इधर की एरिया हमारी क्या होगी, सुपर हीटेड होगी। तो देखिए, जब भी हमारा सुपर हीटेड होगा, अब यहाँ 0.7 पर कंडेंसन पॉइंट है, तो यहाँ से जब प्रोसेस चलेगा 7 to 8 में, तो यहाँ कंडेंसन था ना, तो कंडेंसन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अभी किसके लिए हो रहा है, सुपर हीटेड वेपर के लिए हो रहा है। तो 7 to 8 तक क्या होगा, सुपर हीटेड वेपर के लिए क्या होगा, कंडेंसन होगा। 7 to 8 में आने पर सुपर हीटेड वेपर का क्या होगा, कंडेंसन होगा, और कंडेंसन होने के बाद में जो उसमें अतितप्त जो भी होगा, देखिए इससे ड्राई सैचुरेटेड तक इस पॉइंट तक पहुंचा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट था इस पॉइंट तक क्या हो जाता है, ड्राई सैचुरेटेड में आ जाता है। मतलब क्या है कि जो इसमें लिक्विड जो हाई मतलब उसमें प्रेशर टेम्परेचर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, कूलिंग करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं कंडेंसर में, और इस पॉइंट तक सुपर हीटेड ना होकर के वो कितने आ जाता है, ड्राई सैचुरेटेड में। और यहाँ से भी इस 8 to 9 पॉइंट में क्या होता है, कंडेंसन प्रोसेस जारी रहता है, और 8 to 9 पॉइंट तक क्या हो जाता है, हमारा जितना भी वेपर था वो पूरे क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस पॉइंट तक, 9 पॉइंट तक। तो 9 पॉइंट तक जब पूरा वेपर हमारा क्या आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर हमको एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या है, इसको अगर हमको इसकी एफिशिएंसी ज्यादा करनी हो, एफिशिएंसी क्या है इसकी ज्यादा करनी हो, तो इसको क्या करते हैं, सबकूलिंग करते हैं। क्या सबकूलिंग एक प्रोसेस होता है, जिससे मतलब क्या होता है, इसमें जो हमारी इधर की एरिया होती है, आप जानते हैं इधर की एरिया को क्या कहते हैं, सबकोल्ड रीजन। तो इधर जब हमारा कोई भी ग्राफ आएगा तो उधर क्या होगा, सबकूलिंग होगा, मतलब उसमें से जो है हीट को निकाला जाएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, उसको और ज्यादा ठंडा कर दिया जाएगा। तो हमारा जो होगा वेपर यहाँ से आएगा, यहाँ लिक्विड फॉर्म में हो गया, लिक्विड जो हमारा इधर होगा उसको और ज्यादा ठंडा कर देंगे, कि जिससे हमारी उसकी कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाए। तो 0.79 से क्या होगा, 10 तक जब आएगा तो इसमें क्या होगा, सब कूलिंग होगी, और 10 के बाद में क्या होगा, इसमें जो हमारी कंडेंसर प्रोसेस है पूरा हो जाएगा। 10 तक क्या है, हमारा कंडेंसर प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और कंडेंसर प्रोसेस के बाद में हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस या थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा पॉइंट कितने से, 10 to 11 तक। तो 10 to 11 तक जब हमारा क्या एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, तो एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू जो हमारी जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, वो रेफ्रिजरेंट हमारा किस रूप में चेंज हो जाता है, वो किसमें, पुनः वो लिक्विड और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें से, 10 to 11 तक का। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट होगा वो वेपर और लिक्विड मिक्स्ड रहेगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद में इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने तक का जो हमारा वेपर होगा, मेरा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो टोटली वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, इसमें पॉइंट्स को आप जितने भी पॉइंट बताए हैं उस पॉइंट को आप क्लियरली देखिएगा और समझिएगा कि प्रोसेस कैसे चलता है। इस तरीके से क्या होता है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल चलता था, उसमें क्या होता था, उसमें सीधा सीधा जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होता है आइसेंट्रॉपिक होता था, लेकिन इसमें एक्चुअल में आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमारी एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल चलती है। इस चीज को आप बहुत ही मेहनत से बहुत ही ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएसी के लिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।